एक बार तो देखने वाला है ही। हाँ वही तो बता सीधे डालो डालो हो गया। तो भाई यहाँ पे इतने सारे स्टोर हैं देखो, लेकिन हैं सारे नीचे ही भाई। देखो भाई डिटेल एक एक। वेलकम बैक टू द चैनल अजनयदिन, नई शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं सॉल्ट सिटी सेंटर मॉल, स्टेडियम भी है वहाँ पे, सॉल्ट सिटी टाउन मतलब न्यू टाउन है एज अ बोल सकते हैं सीधे। देखो कि न्यू टाउन चल रहे हैं, विश्वंगला गेट भी पड़ेगा क्योंकि उधर ही साइड पड़ता है। तो चलते हैं भाई एंड दिखाते हैं चल के आप लोगों को कि कैसा क्या बना है, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे चल के। एंड छोटा सिंपल सा ब्लॉग रखूँगा क्योंकि भाई मैंने शूट किया, मुझे लोकेशन सही सही लगी। रिकमेंड करूँगा मैं एक बार जाने के लिए, उतना अच्छा मतलब जितनी मेरी एक्सपी मतलब होता है ना कि हाँ उतना अच्छा लगना चाहिए, वो उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को पर्सनली। सो फिलहाल चलते हैं, देखिए बोर्ड आ गया है। फिलहाल एक्सप्लोर करना था आप लोगों को, दिखाना था मॉल्स में। क्वेस्ट मॉल तो बंद था, एक दिन गए थे तो मैंने सोचा सॉल्ट सिटी सेंटर वाला मॉल ही दिखा देते हैं, पर वो मॉल नहीं है एक टाइप में, वो फुल सिटी मतलब ऊपर को मॉल नहीं, सीधे को बना हुआ है मतलब कई ब्लॉक्स, और मतलब कई सारे ब्लॉक्स हैं उसमें, एक एक चीज़ें अंदर मतलब शॉप्स हैं इसके अंदर। तो एक कह सकते हो एक सिटी टाइप की बनी, छोटे सिटी जैसे नहीं गुड़गांव की साइबर सिटी है वैसे ही सॉल्ट सिटी लेक ऐसे बन कह सकते हो। सो भाई चल रहे हैं एंड देख सकते हो भाई बीच में बारिश वगैरह हुई है अच्छी खासी भाई, मतलब अनएक्सपेक्टेड भाई धूप में इतनी तेज़ बारिश हुई अनएक्सपेक्टेड। इसी के बारे में बता रहा था कि देख सकते हैं आप एट सॉल्ट सिटी स्टेडियम मूवी है, पूरा स्टेडियम बना हुआ है उधर साइड में, इसके पीछे जस्ट बना हुआ है। सो भाई चलते हैं भाई एक्सप्लोर करते चल के, बाकी पहुंच चुके हैं मतलब उसी एरिया में है, बाकी चीज़ें वहीं पे सारी हैं तो मतलब इतनी चीज़ें पता नहीं लगती ना कि वहीं हैं। बाकी ये भाई बहुत लंबी सी पार्किंग है, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी शहर पूरी शहर ही बसा हुआ पूरा देख सकते हो। देखो बाहरी पार्किंग लगी, कोई अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है मतलब इसकी, तो सब बाहरी पार्कड है एंड यहाँ पर एंट्री है अभी फ़िलहाल। सो जितना मुझे दिखा पाया मैं, मुझे इसके ड्रोन शॉट्स नहीं मिले वरना मैं आप लोगों को दिखा देता। बाकी चलते हैं सिटी के अंदर, आप लोगों को एक्सप्लोर कराते हैं। सो भाई ऐसी कुछ सिटी लगती है ये देख सकते हो भाई, एंड ये बाहर वाला गेट है एंड बाहर यहाँ से, लेकिन कई सारी चीज़ें भाई एक्सप्लोर करने को हैं यहाँ पे, कई सारे शॉप्स हैं होटल्स हैं मतलब पूरे प्रॉपर एक टाउन जिसे कहते हैं, देखो न्यू टाउन है ही कोलकाता का बहुत अच्छा, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें वो वहीं पे बेस्ट बनी हुई हैं, मतलब जैसे कहते हैं नई चीज़ें बनी हुई हैं। कोलकाता ओल्ड शहर में भी आता है एंड न्यू कोलकाता जो न्यू टाउन है वो अलग भाई लगता भी अच्छा है, मतलब एक एक्सपीरियंस एक अलग है उस चीज़ का। कभी आप लोग अगर जाइएगा तो न्यू टाउन ज़रूर कोलकाता एक्सप्लोर करिएगा एक दो दिन निकाल के पूरे अच्छे से, ताकि आप लोग सारी चीज़ें कवर कर सकें, मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जैसे ये हो गया सॉल्ट सिटी वाला हो गया विश्वंगला हो गया एंड एक म्यूज़ियम और है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोग भी एंट्री करते हैं, ये वाला एंट्री वाला पोर्शन है देख सकते हो, मॉल प्रॉपर आ चुका है, वो जो पोर्शन देख रहा है ना साइड वाला, तो भाई यही मॉल वगैरह है। एंड बाकी अभी लगाते हैं चल के गाड़ी अंदर साइड, ये बाहर कहीं भी लगा देंगे जहाँ भी मतलब जिस ब्लॉक के अंदर सही रहेगा मतलब लगाने के लिए। तो बाकी चीज़ें और भी हैं एंड आप लोग कई जगह लगा सकते हैं एंड अंदर वाली पार्किंग इतनी खाली वैसे भी नहीं रहती है। बाकी लगाते हैं चल के गाड़ी, देख सकते हो हम लोगों ने बाहर ही पार्क लगा दी है, ये वाली सेक्शन में बाहर पार्क लगा दी एंड यहीं से अभी चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करने। सो वही है, ज़्यादा कुछ इसमें, ये प्रॉपर मॉल है भाई, ये यही जो ये दिख रहा है ना आप लोगों को यही मॉल है इधर दिख रहा है। हाँ वो है थोड़ा सा उसका ले, हाँ
भाई साहब कितना बड़ा मॉल है यार ये, सही में शॉप्स ऐसे हैं पूरे गलियों की तरह बने भाई। चलो चले चलो, एक तो दवा आ रहा होगा। ओ भाई मॉल अच्छा खासा है, लेकिन भाई इधर को फैला है, ऊपर को नहीं, पता नहीं ऊपर क्या है लेकिन फैला नहीं है। एक बार तो देखने वाला है ही। कहे ऑनलाइन क्या करेंगे हम? हाँ वही तो बता सकते हैं। डालो डालो हो गया। तो भाई यहाँ पे इतने सारे स्टोर हैं ये देखो, लेकिन हैं सारे नीचे ही है भाई। देखो भाई डिटेल एक एक। ग्लेन ब्लूस्ट है, बहुत सारी चीज़ें लेकिन हैं कुछ नहीं। मॉल बहुत बेकार है, बहुत बेकार।